Assalamualaikum, welcome to my channel. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मुर्गी का सालन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसको अपने घर वालों के लिए जरूर बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने दो प्याजे लिए दरमियाने साइज की, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने अदरक के टुकड़े लिए, इनको मैंने छील के रख लिया है। ये लहसुन लिया है, इसको मैं चॉप करके पीस के तभी मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने टमाटर लिए बड़े साइज का, इसको मैंने चॉप करके रख दिया। ये दो हरी मिर्चें लिए गार्निशिंग के। ये हल्दी इसके अंदर डालेंगे, पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हसब जरूरत नमक, जीरा, गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन। ये है 1 किलो चिकन। ये हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। सारी प्याज इसके अंदर डाल, इसको मैं ब्राउन करूंगी, हल्का लाइट ब्राउन या लाइट पिंक आप करें, ज्यादा ना प्याज को ब्राउन किया करें, नहीं तो उससे खाने का जायका बिल्कुल खराब हो जाता है। अब इस स्टेज पे मैं डालू अदरक लहसुन, ताज़ा लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें, पीस के साथ साथ इस्तेमाल करें, खुशबू भी अच्छी आती है और खाने के लिए फायदेमंद भी होता है और खाने का जायका बहुत अच्छा आता है। ओह इसके तो खुशबू वाओ, अदरक लहसुन की मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद है। ताज़ी खाने का मजा ही बस। मैंने इसको इसी वक्त से अदरक लहसुन जिस हल्का से इसको खुशबू आना शुरू होगी, चिकन मैंने डाल दूँगा। इसका कलर चेंज कर रहे, जैसे इसका कलर चेंज होता है मुर्गी का, इसके अंदर हम मसाला आपको नजर आ रहा होगा, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर डाल दूँ हल्दी, हाँ इसको रेट भी हर से जायका ही होती है, लेकिन मैं इसके अंदर 1 टी नमक हर से ज़रूरत, मैं हाफ टी स्पून डाल दूँ और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला जल जाए। कर दूंगी ताकि इसका मसाला प्याज वगैरह। अब मैं टमाटर डालने लगी इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था 1 अदरक टमाटर, थोड़ी सी दही डाल तकरीबन 2 टेबल स्पून। चार से 5 मिनट में भुनाई करूंगी। पसंद है तो आप इस तरह रखिए, लेकिन अगर बात घरों में शोरबे वाला इस्तेमाल हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।